हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ चैत्र मास की सोमवती अमावस्या की संपूर्ण कथा। आज चैत्र मास की सोमवती अमावस्या है तो इसकी मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं जाती आती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली गई थी। यह सोचकर ही रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देखकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भबड़ी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल मिठाई सुहाग सामग्री खाने की सामग्री इत्यादि की भबड़ी दी जाती है और फिर भबड़ी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो ये हुई सोमवती अमावस्या की कथा।
तो हमारी कथा आप लोग को कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे सारी वीडियो को जरूर देखिएगा। और हमारी वीडियो पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।